नमस्कार, अन्नपूर्णा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पकौड़े वाली कढ़ी। तो आइए बनाते हैं पकौड़े वाली कढ़ी। एक कटोरी बेसन, आधे बेसन से हम पकौड़ी बनाएंगे, आधे बेसन से कढ़ी। खट्टी दही कढ़ी बनाने के लिए, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का पेस्ट जिसे मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है, कड़ी पत्ता, हल्दी पाउडर, अजवाइन, मंगरैल, नमक स्वाद अनुसार, पंचफोरन। बैटर बनाने के लिए एक बाउल लें, बाउल में बेसन को डालें। अब इसमें एक हल्दी पाउडर डालें, स्वाद अनुसार नमक डालें, अजवाइन और मंगरैल डालें। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, पानी को इकट्ठा ज़्यादा न डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसे फेंटते जाएं। ज़्यादा पानी डालेंगे तो हमारा बैटर पतला हो जाएगा, इसलिए आराम आराम से और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर को फेंटते जाएं। आप इसे करीबन 6 से 7 मिनट तक फेंटें। आप इसे जितना अच्छे से फेंटेंगे हमारा पकौड़ा बहुत ही नरम नरम और मुलायम मुलायम होगा। आप इसे फेंटते जाएं। आप इसे हाथों से भी फेंट सकते हैं। हमारा पकौड़ा बनाने के लिए बैटर परफेक्ट है या नहीं चेक करने के लिए एक कटोरी में पानी लें, पानी में थोड़ा थोड़ा बैटर डालें। आप देख सकते हैं हमारा बैटर अभी नीचे चिपक रहा है, यानी अभी हमें और फेंटने की ज़रूरत है। आप करीबन 2 मिनट और इसे फेंटें। फिर दूसरा साफ पानी लें और बैटर को थोड़ा सा इसमें डालें। आप देख सकते हैं हमारा बैटर ऊपर थोड़ा थोड़ा तैर रहा है, यानी पकौड़ा बनाने के लिए हमारा बैटर एकदम परफेक्ट है। अब गैस में कढ़ाई रखें, कढ़ाई को गर्म होने दें। आप उसमें तेल डालें, बहुत ज़्यादा तेल ना डालें, तेल को गर्म होने दें। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम पकौड़े तलेंगे। हाथों की सहायता से थोड़े से बैटर को लें और तेल में डालें। मीडियम फ्लेम पे ही पकौड़े को तलें। पकौड़े सिकने में ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए फ्लेम को मीडियम ही रखें। आप देख सकते हैं हमारा पकौड़ा कितना सुंदर दिख रहा है, एकदम फूला फूला ऊपर ऊपर तक। इसी प्रकार सारा पकौड़ा सेक लें। पकौड़ा हमारा सिक चुका है, अब उसे निकाल लें। पकौड़े हमारी सिक चुकी है। थोड़ा सा बैटर हमने बचा के रखा था कढ़ी बनाने के लिए। अब इसमें दही डालें और खूब अच्छे से इसे घोल लें। एक चम्मच हल्दी पाउडर लें, इसमें थोड़ा सा पानी डालें और इसका पतला सा घोल तैयार कर लें। गैस पे कढ़ाई रखें, उसमें तेल डालें। तेल गर्म होते ही उसमें फोरन और कड़ी पत्ता डालें, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट डालें और इसे खूब अच्छे से भुनें। मीडियम फ्लेम पे इसे भुनें। अब हल्दी पाउडर का जो हमने पेस्ट बनाया था उसे डालें और इसे खूब अच्छे से भुनें। मसाला हमारा भुन चुका है, अब इसमें जो हमने बेसन और दही का घोल बना के रखा था उसे डालें, स्वाद अनुसार नमक डालें, इसे चलाएं। आप इसे लगातार चलाते रहें, नहीं तो हमारी कढ़ी एकदम फटी फटी दिखेगी। पानी मिलाएं और इसे लगातार चलाते रहें। अब इसमें पकौड़े डालें।
4-5 मिनट तक पकौड़े डाल के कढ़ी को उबलने दें और इसे चलाते रहें बीच बीच में। कढ़ी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब इसमें कटा हुआ धनिया पत्ती डालें और अपने परिवार वालों को बना करके खिलाएं। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।